हेलो दोस्तों, हमारे चैनल ट्यूबर टिप में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बताएंगे कि दीमक से छुटकारा कैसे पाएं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि दीमक से कई तरह के नुकसान हैं। यह एक प्रकार का कीट है जो बरसात के दिनों में आपको घर के किसी भी पुराने दरवाजे, खिड़की, कागज या फर्नीचर में लगा हुआ दिख जाएगा। यह ज़्यादातर वाल से सटी हुई चीज़ों जो कि काफ़ी पुरानी हो, जैसे कि पलंग, आलमारी, टेबल आदि पर लगती है। चूंकि दीमक अंधेरे वाली जगह पर ज़्यादा लगती है, इसलिए यह किसी भी चीज़ के कोने या नीचे लगा हुआ देखने को मिलता है। यदि दीमक को सही समय पर नहीं हटाया गया तो यह जिस चीज पर लगा है उसे धीरे धीरे पूरा बर्बाद कर देता है। आज हम आपको दीमक से छुटकारा पाने के कुछ घरेलू उपाय बताएंगे, तो चलिए जानते हैं। यदि दीमक किसी भी वुडन फर्नीचर पर लग जाए तो उसे हटाने के लिए दीमक लगे हुए फर्नीचर को घर से बाहर निकालकर धूप में कम से कम 5 से 6 घंटे के लिए रख दें। यदि दीमक एक दिन में ना जाए तो फिर उसे 1-2 दिन तक लगातार धूप में रखें। इससे आपके फर्नीचर में लगा हुआ दीमक नष्ट हो जाएगा। लाल मिर्च के पाउडर का यूज करके भी दीमक का खात्मा किया जा सकता है। जिस जिस जगह पर दीमक का प्रकोप हो, उस जगह पर यदि आप लाल मिर्च के पाउडर को छिड़क देंगे तो सभी दीमक खुद ब खुद मर जाएंगे। कहा जाता है कि दीमक कोई भी कड़वा महक से दूर भागता है, इसलिए जिस जगह पर दीमक लगा हो उस जगह पर आप करेले का रस या नीम का रस निकाल कर छिड़क दें। करेले के रस के कड़वे स्मेल को सूंघते ही सभी दीमक धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, पर आपको कम से कम 3 से 5 दिनों तक करेले का जूस डेली छिड़काव करना होगा ताकि दीमक लौट कर दोबारा जल्दी ना आए। दीमक के बिल पर बोरिक एसिड का छिड़काव करने से भी वो मर जाती हैं। संतरे के तेल यानी ऑरेंज ऑयल के स्प्रे का इस्तेमाल करके भी फर्नीचर में लगे दीमक को आसानी से हटाया जा सकता है। नमक में भी इतनी ताकत होती है कि इससे दीमक का खात्मा किया जा सकता है। इसलिए जहाँ जहाँ दीमक लगा हुआ दिखाई दे वो सभी जगह पर नमक का छिड़काव कर दें। नमक छिड़कते ही आप देखेंगे कि धीरे धीरे सारा दीमक मरने लगेगा। नीम का पाउडर या उसके तेल का छिड़काव दीमक के पनपने वाले स्थान पर कर दें। कुछ ही दिनों में दीमक अपने आप समाप्त हो जाएगा। लाइक और कमेंट करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे हम जो भी वीडियो अपलोड करें वो आप तक आसानी से पहुंच सके।